हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे है चाहते हैं, तुझसे है राहते गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आई नो ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आपने इस चैनल से ज़्यादातर पोइट्री वीडियोज और यू नो म्यूजिक कवर्स देखे हुए हैं, बट दिस इज एक्चुअली अ डिफरेंट एंड स्पेशल वीडियो। क्यों? क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ना मुझे केडेंस एक्सट्रीम एकॉस्टिक ने कुछ भेजा। अब क्या भेजा? इट्स अ सीक्रेट एंड डिश एंड डिश। तो ये दो बॉक्सेस भेजे उन्होंने एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गेट दीज, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो हमारे काफ़ी यूज़ का है। यू नो आज के टाइम पे जब लोग काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पीपल वॉन्ट टू ट्राई कंटेंट क्रिएशन, तो उसके लिए ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो और मुझे दिखाना था आपको कि कैसे यूज़ करना है, क्या है क्या नहीं है। सो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यार थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए। तो मुझे दो बॉक्सेस मिले जिसमें से एक में था ये है एक शॉटगन माइक फ्रॉम एक्सट्रीम एकाउस्टिक पावर्ड बाय केडेंस। तो ये एक शॉटगन माइक है। इसके अलावा मुझे मिला ये एक ट्राईपॉड जो उन्होंने भेजा है, और ये है एक माउंट। ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये एक माउंट है और इसे कैसे यूज़ करना है, इसका ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मुझे अब इसे यूज़ करते करते लगभग एक हफ्ता हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स मेक अ वीडियो एंड इसका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लस इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, इसे कैसे असेंबल करना है, एवरी सिंगल थिंग ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो स्टे ट्यून टू द होल वीडियो। सो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है, और आप वीडियो के साथ बने रहो। सो ये है यार इसका मेन बॉक्स, और मेन बॉक्स पे अनबॉक्सिंग करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, ये है एक्सट्रीम अकाउस्टिक यूनिवर्सल कार्डियोइड माइक्रोफोन, ठीक है, और पावर्ड बाय किडेंस। इसके अलावा आप यहाँ फोटो में ये देख सकते हो कि आप इसे DSLR के साथ भी यूज़ कर सकते हो, और एक छोटा छोटा लुक तो आपको यहाँ से मिल ही गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले देखें अगर, तो ये कंडेंसर टाइप माइक है, ठीक है। सेकेंडली, इट्स अ यूनिडायरेक्शनल माइक। अब ये यूनिडायरेक्शनल क्या होता है वो हम आपको इस वीडियो में आगे समझाएंगे अच्छे से, तो मैंने बोला कि पूरा वीडियो ज़रूर देखना। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 3.5 mm कनेक्टर। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली फोन्स में यही होता है। तो इसके अलावा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आप इसको अपने स्मार्टफोन DSLR और ये आप कैमकॉर्डर्स में भी यूज़ कर सकते हो, PC में भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसके कंस्ट्रक्शन इज़ रगड मेटल, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी आपको जब प्रॉपर आपको माइक दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड अनदर गुड थिंग इज़ नो बैटरी रिक्वायर्ड, क्योंकि यार अगर आप कंटेंट क्रिएशन में, आपको पता है शूट में कितना टाइम लगता है, यू नो कभी कभी घंटों लग जाते हैं, तो अगर आपको एक बैटरी की भी चिंता हो तो यार बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसमें आपको वो फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको एक विंडशील्ड भी मिलता है फॉर बेटर नॉइस कैंसिलेशन। यार अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, तो इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, पर एक चीज़ है यार जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और हम जिसे इग्नोर कर देते हैं, जो कि है हमारा यूज़र मैनुअल।
तो इसे मत इग्नोर किया करो, इससे काफ़ी कुछ पता चलता है। तो अगर मैं देखूं और इस बॉक्स के बारे में आपको बताऊं, इसमें आपको क्या क्या मिलता है, तो आपको एक फरी विंडशील्ड मिलती है, एक आपका माइक जो है वो माइक्रोफोन हो गया, देन एक शॉक माउंट मिलता है, एक लेदर बैग फॉर प्रोटेक्शन, और उसके अलावा आपको एक केबल मिलेगी जिससे आप इस माइक को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और एक केबल मिलेगी जिससे अगर आप DSLR यूज़ करते हो तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। तो हम इसे यूं ही साइड नहीं करेंगे, हम इसे पढ़ के साइड करेंगे। तो अब देखते हैं कि इस बॉक्स में एग्जैक्टली चीज़ें कैसी हैं। तो ये यार है हमारा शॉक माउंट, सबसे पहले आप देख सकते हो, मेरे को इसका कलर अच्छा लगा, ऊपर रेड है नीचे ब्लैक, तो इसको आप ये यहाँ से आप फिट कर लोगे, तो ये एक मिलता है। इसके अलावा ये रही केबल, और ना मुझे केबल में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि जब यूज़ करते हो तब आपको पता चलता है। मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऐसे माइक के साथ, तो मुझे एक्चुअली कन्फ्यूजन हो सकता था कि कौन सा पार्ट कहाँ लगाना है, बट इसमें एक बड़ी अच्छी सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोफोन, तो इट्स सिंपल कि ये एंड जो है ये माइक्रोफोन में लगेगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये फ़ोन लिखा हुआ है, तो जो ये एंड है ये फ़ोन में लगेगा, ठीक है। तो ये हो गई केबल जो कि आप फ़ोन से अटैच कर सकते हो। अब दूसरी केबल आपको इसमें मिलती है ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की लगी मुझे, मेरे को पुराना लैंडलाइन याद आ गया। तो आप इससे आप DSLR कनेक्ट कर सकते हो। अब आता है हमारा मेन प्रोडक्ट जो कि है ये हमारी पोटली। ये हमारा एक लेदर बैग है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है यार कि एक आपको एक प्रोटेक्शन में मिलता है, तो काफ़ी सही है। तो इस पर भी आप देख सकते हो ब्रांडिंग है यहाँ पे, एक्सट्रीम अकाउस्टिक पावर्ड बाय कैडेंस, ठीक है। तो इसको खोल लेते हैं जल्दी से। तो आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा दिखता है ये, और मुझे नहीं पता था कि ये प्रॉपर मेटल में होगा। बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये प्रॉपर मेटल है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यार। आपको मैं अगर ये देखो आप, ये काफ़ी सही लगा मुझे, बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। इसको यहाँ रखते हैं, अब आपको दिखाते हैं ये बड़े काम की चीज़ होती है। अगर आप सिंगिंग कर रहे हो ना तो बहुत काम की चीज़ होती है, क्योंकि जब हम गाते हैं तो जो वो फा वाले साउंड होते हैं, जो एयर निकलती है ना जिस शब्द के साथ, तो उससे ये प्रोटेक्ट करती है, प्लस नॉइज़ कैंसिलेशन में तो थोड़ा हेल्प करती ही है। तो ये है हमारी विंडशील्ड, ये कुची 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 को कुची कुची को। तो ये हैं जो मेन चीज़ें आपको मिलती हैं, और सिंस ये एक कॉम्बो है तो कॉम्बो के साथ आपको ये एक ट्राईपॉड भी मिलता है, जो कि बहुत सही है यार, क्योंकि आप एक साथ पूरा पैक ले सकते हो। इसके साथ ये आपको एक माउंट मिलता है, और इस माउंट में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक तो आपको यहाँ पे मिलता है स्क्रू टाइट करने के लिए, और एक आपको मिलता है यहाँ पर। तो आप इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कंटेंट क्रिएटर, कि आपके पास ये लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए कि यार नहीं फ़ोन ऐसे ही लग सकता है या फ़ोन ऐसे ही लग सकता है। हाँ जी, तो सारी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, और अब चलते हैं कि इसको असेंबल कैसे करना है, इसका सेटअप कैसे बनाना है। तो बहुत इजी सी प्रोसेस है यार, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो हमारा कॉम्बो है ये काफ़ी लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे आई एम डूइंग व्लॉगिंग, उसके लिए यूज़फुल है। अगर मैं सिंगिंग वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँ, या म्यूजिशियंस लोग हैं उनके लिए यूज़फुल है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो, यू नो, उसके लिए अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हो क्लास के लिए, उसके लिए बहुत यूज़फुल है। इफ़ यू आर अ पॉडकास्टर, इफ़ यू आर अ ट्रैवलर, यू कैन यूज़ इट इन मल्टीपर्पज़, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राईपॉड की बात करूँ, तो यार ये मैं आपको लोएस्ट दिखा दूँ एक बार, तो ये लोएस्ट इस हाइट तक जा सकता है, ठीक है। और अगर मैं हाईएस्ट दिखाऊँ तो आप इसे हाईएस्ट इस तक सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो बॉल फीचर है ये बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से आप इसे 360 डिग्री मज़े में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एंगल पे आपको शूट करना है, आप आराम से शूट करो, जिस भी जगह आपको करना है उसके बाद आप इसे यहाँ से टाइट कर दो, एंड नाउ इट्स स्टेबल हल्क, ठीक है। तो ये काफ़ी पोर्टेबल, लाइट वेट, और ये 360 डिग्री वाला एंगल, तो इसको हम एक नॉर्मल मीडियम हाइट पर सेट कर लेते हैं, जो कि कन्वीनियंट रहे। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे ये, दिस इज़ अ मोबाइल होल्डर। इसकी खासियत ये है कि इसमें एक स्क्रू यहाँ पे है और एक स्क्रू यहाँ पे, तो यहाँ दो जगह आप इसको स्क्रू से टाइट कर सकते हो, जिससे फ़ायदा ये होता है कि आप इससे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से अपना मोबाइल इसमें लगा सकते हो, एंड इट इज़ कुशन्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स,
यहाँ से भी एंड यहाँ से भी। तो आपका जो फ़ोन है ना, अगर आप उसको बिना केस के भी लगा रहे हो तो भी काफ़ी सही जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं। अब हमें लगाना है इस पर ये माउंट। अब ये जो माउंट है ये ABS प्लास्टिक का बना हुआ है, शॉक माउंट है। तो ये जो प्लास्टिक होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ज़बरदस्ती तोड़ने करें ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना। अगर आप ज़बरदस्ती इस पर यू नो अनड्यू प्रेशर नहीं लगाओगे, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसको हमें कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पे आप, अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ तो यहाँ पे इस जगह पे बस आपको इसको सिंपल ऐसे रख के और ये हो गया, दैट्स इजी। और ये बिल्कुल भी लूज नहीं है अगर मैं ऐसे करूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इसमें हमें लगाना है हमारा ये माइक। तो इस माइक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक बी कैप्सूल यूनिडायरेक्शनल माइक है। तो मैंने बताया था कि हम आपको आगे समझाते हैं कि यूनिडायरेक्शनल क्या होता है। फिर ऐसा होता है ना कि यूनिडायरेक्शनल माइक की क्वालिटी होती है, अगर आप उससे, जैसे मैं सपोज इसको यहाँ लगा दूँ, ये हो गया फिट ठीक है। अब जब हम इससे रिकॉर्ड करेंगे तो ये यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से सिंगल डायरेक्शन में स्ट्रेट मेरी आवाज़ पकड़ेगा ठीक है। जो बाकी की नॉइस है ना सराउंड में, उसको ये दबा देता है, काफ़ी हद तक दबा देता है। तो इसका यही क्वालिटी, अगर आप सिंगिंग वगैरह कर रहे हो या आपको ऐसा है जहाँ पे ऑडियो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ के लिए यूनिडायरेक्शनल माइक सब बेस्ट। पर इसको हम ऐसे तो लगाएंगे नहीं, इसको हम लगाएंगे इसकी ये कैप के साथ। तो यार ये विंडशील्ड होती है, इससे क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी आपके पा फा ये वाले जो लव्ज़ होते हैं, जो एयर निकलती है ना, ये उसको बचाता है और साथ ही साथ नॉइज़ भी कैंसिल करने में बहुत हेल्प करता है। अब आपके पास, अब सिंस मेरे पास मोबाइल है ठीक है, तो मुझे मोबाइल के लिए ये वाला केबल चाहिए। आप देख सकते हो ये केबल लगेगा ठीक है। हमें लगाना है हमारे माइक्रोफोन में और ये वाला हमारे फ़ोन ठीक है। सिंपल सेट हो गया, अब हम इसे आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरे पास मेरा मोबाइल है जिससे हम शूट करते हैं, तो मैंने ये वाला केबल यूज़ किया। अगर आपके पास DSLR है पॉइंट पॉइंट, आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। हाय हमारा लैंडलाइन। तो ये पूरा ऐसा सेटअप रहेगा। और अगर मैं बात करूँ साउंड क्वालिटी की, जो कि ऑब्वियस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यार आपने वीडियो के स्टार्ट में ही जो गाना सुना वो इसी माइक से रिकॉर्ड हुआ था, पूरा सेटअप यही था। तो आप देख सकते हो, सुन सकते हो कैसा ऑडियो आउटपुट मिल रहा है, कैसी क्वालिटी मिल रही है। तो वो तो हमारा इंडोर सेटअप है सारा। अभी हम आपको एक छोटा सा आउटडोर एक्सपीरियंस भी देंगे कि जैसे अगर मैं व्लॉगिंग करूँ तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, कितनी बाहर की आवाज़ लेता है, किस हद तक दबाता है, यू नो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारा छोटा सा सेटअप, अब चलते हैं आउटडोर के लिए। तो चलते हैं रूम के बाहर, और हमारा यही आउटडोर है यार। सो दिस इज़ आर आउटडोर एरिया। और यहाँ पे आपने देखा ही हुआ है कि जो भी हमारे सॉन्ग्स और पोएट्रीज होती है हम यहाँ शूट करते हैं। इसके अलावा एक और हमने अभी रिसेंटली पोएट्री शूट करी थी, वो यहाँ पे करी थी इस गेट के सामने। तो आउटडोर का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने सोचा कि यहाँ पे आके आपको दिखाते हैं। तो यार अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो इसी माइक से आ रही है, और मैंने फ़ोन अटैच किया हुआ है ट्राईपॉड पे। तो ऑल इन ऑल कॉम्बो सही है, अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि व्लॉगिंग के लिए प्लस अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो या आप ऐसा कुछ पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हो तो काफ़ी सॉर्टेड रहता है। और आवाज़ आप सुन ही रहे हो कि पीछे की आवाज़ ये काफ़ी हद तक दबा देता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक बी कैप्सूल यूनिडायरेक्शनल माइक है। इसमें यही होता है कि ये सामने की आवाज़ ज़्यादा लेता है और सराउंड की आवाज़ को काफ़ी हद तक दबा देता है। तो बस मुझे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। तो अगर आप ऐसा कुछ अपग्रेड करना चाहते हो तो यू कैन लुक फॉर इट, डिटेल्स सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और आप देखना और जैसा भी आपको लगे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड दैट्स इट। सो यार मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ ऐसा रहा, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, सब कुछ करके दिखा दिया कि आप इंडोर एक्सपीरियंस, आउटडोर एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। तो आपको अगर कुछ फीडबैक देना हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इस पूरे कॉम्बो की डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। तो आई होप आप सबके लिए ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा यूज़फुल रहा होगा। आई नो बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन के अंदर आना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन को ट्राई करना चाहते हैं, और दे वॉन्ट कि एक उनका एक छोटा सा सेटअप हो या कुछ ऐसा हो। तो आप लोग पूछते भी रहते हो कि हम कौन सा माइक यूज़ करते हैं, एंड सिंस आई हैव अपग्रेडेड टू दिस, तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में ज़रूर बता दूँ। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।